बोलो जुबान केसर। दोस्तों आज हम जानेंगे केसर 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए प्रति किलो क्यों बिकता है और कैसे इंडिया का सबसे ज्यादा केसर कश्मीर में उगाया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें ये जानने के लिए कि आखिर केसर इतना महंगा क्यों बिकता है। दोस्तों केसर की खेती करना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि इसकी खेती पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही जगह हैं, हमारा कश्मीर, ईरान और स्पेन में ही की जाती है। दोस्तों केसर की खेती करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है चिकनी रेतीली बालुई मिट्टी या दोमट मिट्टी की। इसके अलावा जिन खेतों में केसर को उगाया जाता है वहाँ पानी की निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। यही कारण है कि केसर की खेती पहाड़ी इलाकों में ही की जाती है, लेकिन राजस्थान के शेखावती इलाकों में भी धोरे बनाकर लोग केसर की खेती कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी तैयार होने के बाद केसर के बीज को खेतों में बोया जाता है। जिस बीज की कीमत 40,000 से 50,000 प्रति किलो के बीच होती है। अगर ज्यादा ठंडी पड़ी या फिर गर्मी तो आपकी केसर की फसल खराब भी हो सकती है। जी हाँ, और ऐसा होता भी है, इसलिए केसर लगाने के 10 से 15 दिन बाद ही पानी दिया जाता है और फसल की देखभाल की जाती है। और देखते ही देखते अक्टूबर से नवंबर महीने में केसर के फूल आ जाते हैं, जिन्हें सुबह सूरज उगने से पहले तोड़ लिया जाता है। आपको बता दें, एक केसर के फूल में 2 से 3 बालियां होती हैं और 10 ग्राम केसर को एकत्रित करने के लिए 3,000 से 5,000 फूलों की बालियां मिलानी पड़ती हैं, तब जाकर कहीं 10 ग्राम केसर मिलता है। और 1 किलोग्राम केसर को हासिल करने के लिए 3 लाख फूलों को तोड़ना होता है और वो भी हाथों से। फिर फैक्ट्री में ले जाकर बारीकी से केसर निकाला जाता है और फिर इनको सुखाया जाता है और इतनी मेहनत के बाद मिलता है केसर। तो दोस्तों अब आपको पता तो चल गया होगा कि आखिर केसर इतना महंगा क्यों बिकता है। जी हाँ, तो वही रही बात हमारे कश्मीरी केसर के प्राइस की, तो इसका प्राइस 2,50,000 से लेकर 2,70,000 रुपए के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर केसर इतना महंगा है तो इसके भी फायदे बहुत हैं। दोस्तों केसर खाने से सैकड़ों जटिल बीमारियाँ जैसे आँखों की रोशनी, महिलाओं के मासिक धर्म और इसके साथ ही दिमाग को तेज करने में केसर काफी कारगर है। इसके साथ ही केसर के ज्यादा इस्तेमाल से आपकी त्वचा और आंखें पीली पड़ सकती हैं। तो दोस्तों देखा आपने कितनी जद्दोजहद के बाद तैयार होता है ये केसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक जरूर से कर दें। ऐसे ही नॉलेज से भरपूर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डीपली अध्ययन को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।